हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो आजकल जो इंजीनियर हैं, न्यू इंजीनियर मोबाइल रिपेयर करते हैं, जो अभी फ़िलहाल शॉप चला रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं। फ्रेंड, मैं ऐसा फ़ोन बता रहा हूँ जो आजकल उस फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं या उसे नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये नहीं होगा या ये इसका डिस्प्ले टूट जाएगा या बहुत महंगा फ़ोन है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि मैं अब बात कर रहा हूँ आईफोन की। तो फ्रेंड, आईफोन ऐसा फ़ोन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंजीनियर हैं, जो उस फ़ोन को नहीं करते हैं, उनको रिटर्न कर देते हैं कि इसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में नहीं है या ये नहीं होगा, इसलिए एप्पल स्टोर भेज दीजिए। तो फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, इसे करना बहुत ही ईजी है। फ्रेंड, एंड्रॉयड की मैं बात बताऊँ, एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उससे काफ़ी आसान है आईफोन को रिपेयर करना। आईफोन कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्रेंड, मैं बताता हूँ कि आईफोन को रिपेयर कैसे करना है। उसमें फ्रेंड आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है, ना उसको आप रिटर्न करिए ना किसी आप अच्छे इंजीनियर को बुलाइए, आप खुद कर सकते हो। फ्रेंड, आपको क्या करना है, जो सबसे क्या करना है कि जो आज के लिए जो आईफोन है, आईफोन 4, 5, 5S, 5, 6, 6S, फ्रेंड को खोलना काफ़ी ईजी है। मैं आपको बता, पहले आईफोन 4 की, अगर बाई चांस आईफोन 4 को आपको खोलना है तो बड़ा ईजी फ़ोन है। उसको सिर्फ उसका बैक पैनल आपको खिसकाइए, आपको उसको बैक पैनल अलग कर दिया, बाकी आपको मदरबोर्ड वैसे दिख जाएगा, फिर आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। उसमें उसका डिस्प्ले अगर चेंज करना तो आपको पूरा मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा जब तक उसका डिस्प्ले चेंज होगा आईफोन 4 का या 4S का। सर, उससे ईजी आता है आईफोन 5 और आईफोन 5S। तो फ्रेंड, आईफोन कभी आपको आईफोन या आईफोन 5S आया तो आप करिए उस फ़ोन को, मतलब रिटर्न मत करिए। बाई चांस उसको डिस्प्ले चेंज करना हो या बैटरी चेंज करनी हो, चार्जिंग पोर्ट चेंज करना, कैमरा चेंज कुछ भी करना हो, अब क्या करना है आपको, उसको फ़ोन को ओपन किस तरह करना है। फ्रेंड, आईफोन 5 जो है ओपन, वो डिस्प्ले उतारने के बाद ही ओपन होगा। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, आपको जो फ़ोन है आईफोन 5 या 5S, उसके नीचे जो स्क्रू लगे होते हैं, जो दो छोटे छोटे, पहले आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उसके वो फ़ोन फ्रेंड जहाँ वहाँ से ओपन होगा, वो कहीं से ओपन नहीं होगा, सिर्फ वो ओपन होगा जहाँ पर टच आईडी होती है। टच आईडी के नीचे कोने में साइड में देखिए, वहाँ पर आपको वहाँ पर कोई नुकली चीज़ लेनी है, जब या आप चिमटी ले लीजिए या ब्लेड ले लीजिए, उसकी जो टच आईडी है उस साइड में आपको अंदर घुसानी है, उसके बाद ऊपर खींचिए। खींचने के बाद उसको जब आपको कोना दिख जाए तो वह नाखून या ओपनर से आप उसको खींचिए, तो हल्का हल्का सा उसको उठाइए उसके डिस्प्ले को, लेकिन उसको छोड़ एक हाथ से पकड़ लिए, एक हाथ से उठाते रहिए, तब जाके वो डिस्प्ले ओपन होगा। बाई चांस आप ऐसा मत सोचे कि मैं डिस्प्ले निकाल लूँ, एकदम से निकाल दिया आपने तो फ्रेंड वो डिस्प्ले टूट जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड इसको हल्का हल्का से एक एक साइड से उठाते रहिए, अपने आप ही उठ जाएगा, तो नाखून द्वारा ऐसे खींचिए, अपने आप वो बाहर आ जाएगी। तो आईफोन 5 या 5S के डिस्प्ले को ऐसे निकाल सकते, निकालने के बाद आप उसको कुछ भी रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे आसान फ़ोन जब बताऊँ फ्रेंड खोलने का डिस्प्ले, वो है आईफोन 6। आईफोन 6 में फ्रेंड कुछ नहीं है, आईफोन 6 एकदम नॉर्मली ओपन हो जाता है। उसके क्या करना है आपको, उसके नीचे का जो स्क्रू होते हैं, नीचे का स्क्रू खोल दीजिए, बाद में आपको जहाँ से टच आईडी लगी है वहीं से ही आपको उसको ओपन करना है। ओपन कर जैसे आप स्क्रू खोलोगे आप ऑटोमेटिक वो लूज़ हो जाएगा। लूज़ करने के बाद आप पतली ब्लेड से उसको ओपन यहाँ कोने में डालिए, उसको उठाइए, अपने आप ऊपर आ जाएगा वो। फिर धीरे धीरे नाखूनों द्वारा या ओपन द्वारा उसको ओपन कर लीजिए, वो ओपन आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड जो 6S होता है, 6 और 7 जो आ रहे फ़ोन, वो उसमें जो कि सील पैक होते हैं उनमें गम लगी होती है, इसमें जो इसको खोलना बहुत ही मतलब टाइट होता है, उसमें थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ता है। वो भी सेम प्रोसेस है जैसे कि आईफोन 6 में, ब्लेड डालिए, कुछ डालिए, उसको हल्का उठाइए, फिर हल्के उसमें थोड़ा जान लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सील्ड पैक होता है, इसलिए उसको ओपन करने में थोड़ा रिस्क होता है कि वो टूट ना जाए। लेकिन वो टूटेगी नहीं फ्रेंड, क्योंकि आईफोन 6 में डिस्प्ले तो नीचे से प्लेट लगी होती है और काफ़ी मजबूत होती है, जिससे कि डिस्प्ले पूरी सेफ है। तो आप उसको बेफिक्र होकर उनको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आईफोन 7 आता है, आईफोन 7 अगर आपको खोलना है उसको, उससे आप घबराइए मत, आईफोन 7 बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो डिस्प्ले नीचे डिस्प्ले के पत्ते होते हैं वो साइडों में है, क्योंकि आईफोन 6 जितने भी आईफोन 6 से पहले कोई फ़ोन थे सारे ऊपर थे कैमरे के पास, लेकिन आईफोन 7 में नीचे एक पत्ता डिस्प्ले का दिया हुआ है, ऊपर जाके उसका सेंसर कैमरे का पत्ता दिया हुआ है, तो वो आप ऐसे वो फ़ोन ओपन होगा, क्योंकि हम आईफोन जो 6 से पहले कोई फ़ोन है उसको हम ऐसे ओपन करते हैं, लेकिन आईफोन 7 और आईफोन 8 वो यहीं से ओपन होगा, उनके पत्ते उसके नीचे यहाँ लगे होते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आपको पैक करना है आईफोन 5S 4 पैक करना है, 4 के लिए आपको अपना मदरबोर्ड पैक कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, वो पैक हो गया। और आईफोन 5 जो है, आईफोन 5 के लिए आपको डिस्प्ले ऊपर कैमरा होता है वहाँ से पहले आपको पुश करना है, पुश करने में बिठाइए, फिर साइडों से उसको दबाइए, दबाने के बाद अब वो फ़ोन ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे। 6 का भी ये प्रोसेस है, 6S का भी ये प्रोसेस है, लेकिन 7 का अलग है और 7 और 8 का उसका प्रोसेस आपको साइड से है, साइड में रखिए, उसे दबा दीजिए, ऑटोमेटिक साइड से दबाइए, वो बैठ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए फ्रेंड आईफोन की कोई भी चीज़ आपको रिपेयर करनी है तो आप घबराइए मत, उसको फ़ोन को ओपन करना बहुत ही आसान है। फ्रेंड पहले मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आईफोन सबसे आसान फ़ोन है, इसे हर कोई कर सकता है, बस आप घबराना मत। उसका फ़ोन जो है कि मैं वो डिस्प्ले नहीं टूटती है फ्रेंड, वो डिस्प्ले टूटने वाली नहीं है। अगर आप खोलने के कोई जान कोई गलत जगह से खोलोगे या एकदम से उठा दोगे
तो वो ब्रेक हो सकती है फ्रेंड, कोई चांस है टूटने का, लेकिन वो टूटेगी नहीं, आप घबराए मत, वो बैठ भी आसानी से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे जाके काफ़ी सारे वीडियोज़ है डिसेंबल के, आप उनको देख के डिसेंबल कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो डिस्प्ले नहीं टूटेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड के जो होते हैं डिस्प्ले, वो जैसे J2 हो गया, J7 हो गया, वो सब थोड़े रिस्की होते हैं, उनको निकालने में डिस्प्ले ब्रेक हो सकती है, लेकिन क्योंकि फ्रेंड वो बहुत पतली होती है, उनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं, आईफोन बड़े मजबूत डिस्प्ले होते हैं, इसलिए आईफोन काफ़ी अपने फ़ोन महंगे बेचता है, क्योंकि उसमें डिस्प्ले जो होती है ना वो काफ़ी अलग तरह की है, वो सबसे मजबूत डिस्प्ले होती है, वो टूटेंगी नहीं, लेकिन उनके नीचे डिस्प्ले की जैसे प्लेट लगी होती है, वो मजबूत उसको टैग रखती है। तो फ्रेंड मैंने इसलिए यही उनको बताना से वीडियो बताया था कि जो आप न्यू इंजीनियर हैं या आप कैसे भी, इनको आईफोन मिलता है तो बिल्कुल रिटर्न मत करिए, आप खुद करिए, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना उसमें कोई सोल्डरिंग करनी है, ना कोई उसमें कोई वायर लगाना, जंपर मारना, कुछ नहीं करना उसमें। एक चीज़ के लिए आपको पूरा फ्लैक्स चेंज करना पड़ता है, चार्जिंग का नीचे का हो या कैमरे का हो या बैटरी हो, कोई भी हो, मतलब उसको आपको फ्लैश चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड में फिर कोई इशू आता नहीं है, बस चार्जिंग में दिक्कत है, वो आपको पता चेंज कर दिया, हो गया, कोई सोल्डरिंग ना SMD की मशीन की जरूरत कुछ नहीं है, इसलिए आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में यही बताने का मतलब था कि मैं आपको बता दूं कि आईफोन खोलना कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। वैसा कोई महंगा फ़ोन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ध्यान से करिए इस काम को, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।